हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो दोस्तों इस जैक आयरन कटर रिपेयर करने का है। यह जैक आयरन कटर है जिसका नंबर LG 355 है, जिसमें कि 14 इंच का व्हील कटर पत्ता लगता है, जिसे हम व्हील कटर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसे सीरीज बोर्ड में लगाकर चेक करते हैं। तो स्विच को ऑन करते हैं तो देखिए दोस्तों, हमारा आयरन कटर घूमने लगा है, पर हमारा बल्ब ब्लिंकिंग कर रहा है। तो इसमें कुछ शॉर्ट हो गया है। तो सबसे पहले हम इसके कार्बन बाहर निकाल लेते हैं, जिनका नंबर है LG 355। कार्बनों को कार्बन होल्डर से इस प्रकार हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, कार्बन हमारे पूरी तरह ख़राब हो गए हैं और टूट गया है। इसी प्रकार हम दूसरी ओर का कार्बन भी बाहर निकाल लेते हैं एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। कार्बन होल्डर से कार्बन को बाहर निकालते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, यह कार्बन हमारा पूरी तरह से टूट गया है और होल्डर में अंदर ही रह गया है। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसमें हम नए कार्बन लगाकर इसको दोबारा टेस्ट करेंगे। तो अब हम इसके बैक कवर को भी खोल लेते हैं और इस प्रकार हम बैक कवर को खोलकर देखते हैं कि हमारी फील्ड कॉइल सही लग रही हैं, पर आर्मेचर जला हुआ शॉर्ट लग रहा है। तो अब हम इसमें नए कार्बन डालकर चलाकर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा कम्यूटेटर शॉर्ट हो गया है और स्पार्किंग दे रहा है, पर इसका कटर व्हील घूम रहा है और इसमें करंट भी आ रहा है, शॉर्ट लग रहा है। तो चलिए अब हम इसे रिपेयर करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्क्रूओं को खोल लेते हैं जो कि आगे की ओर रहते हैं। इसमें चार स्क्रू रहते हैं जिन्हें कि हम खोल लेते हैं इस प्रकार। तो हमने स्क्रूओं को खोल लिया है और अब हम इस व्हील कवर को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा गियर बॉक्स है। अब हम इसको इस प्रकार धीरे धीरे खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, आर्मेचर हमारा बाहर निकल आया है। यह इसका आर्मेचर है और यह इसकी
फील्ड कॉइल है। फील्ड कॉइल सही लग रही है। तो अब हम देखते हैं कि आर्मेचर का कम्यूटेटर पूरी तरह ब्लैक लगने लगा है और यह यहां से शॉर्ट भी हो गया है और इसकी कॉइल भी जली हुई दिख रही है। तो अब हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम इस गियर बॉक्स से गियर को बाहर निकाल कर देखते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यह इसका गियर है। तो गियर देखिए दोस्तों, सही लग रहा है। तो गियर बॉक्स में से अब हम आर्मेचर को बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार हम गियर बॉक्स से आर्मेचर को बाहर निकालते हैं और इसके दोनों बैरिंग जिनका नंबर 6200 और 6201 है, जिसे कि हम एक आर्मेचर बैरिंग पुलर की सहायता से इस प्रकार बाहर निकाल लेते हैं। आर्मेचर से बैरिंग को इस प्रकार हम बैरिंग पुलर की सहायता से बाहर निकालते हैं। यह बैरिंग हमारा बाहर निकल आया है। इसी प्रकार हम दूसरी ओर का बैरिंग भी बाहर निकाल लेते हैं। बैरिंग पुलर की सहायता से बैरिंग बड़ी आसानी से बाहर निकल आते हैं। यह जैक आयरन कटर, जिसमें कि 14 इंच का व्हील कटर पत्ता, जिसमें कि हम आयरन लोहा काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा बैरिंग भी बाहर निकल आया है। हमारे दोनों बैरिंग बाहर निकल आए हैं। अब हम इसमें यह न्यू आर्मेचर ऐड करेंगे, जिसका नंबर LG 3055 है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह आर्मेचर काफ़ी अच्छा पैकिंग किया हुआ है। इस पेपर को बाहर निकाल लेते हैं और यह रहा हमारा आर्मेचर, जो कि पूरी तरह न्यू है। अब हम इस आर्मेचर को इस जैक कटर में ऐड करेंगे। तो उससे पहले हम बैरिंगों को आर्मेचर में लगा लेते हैं। और आर्मेचर में बैरिंग लगाने के बाद हम इस गियर बॉक्स में आर्मेचर को इस प्रकार सेट करते हैं। यह सेट हो गया और देखिए कितनी अच्छी तरह से घूमने लगा है। इसका मतलब हमारा गियर बॉक्स भी पूरी तरह ओके है। अब हम इस आर्मेचर को इस फील्ड कॉइल में सेट करेंगे। तो इस प्रकार हम आर्मेचर को फील्ड कॉइल में लगाते हैं।
यह देखिए दोस्तों, लगाने के बाद हमारा गियरबॉक्स घूमने लगा है। अब हम इसमें व्हील कवर को ऐड कर लेते हैं और इसके स्क्रूओं को अच्छी तरह टाइट कर देते हैं। स्क्रूओं को टाइट करने के बाद अब हम इसको ऑन करके देखते हैं और इसके दोनों कार्बन होल्डर में कार्बनों को लगाकर इसको सीरीज बोर्ड से टेस्ट करेंगे। तो यह देखिए दोस्तों, हमारा आर्मेचर अच्छी तरह घूमने लगा है। यहाँ से भी आर्मेचर दिख रहा है जो कि अच्छी तरह बिना रुकावट घूम रहा है। अब हम इसमें कार्बन होल्डर को सेट कर लेते हैं। दूसरी ओर का कार्बन होल्डर भी सेट करेंगे। तो हमने कार्बन होल्डर को सेट कर लिया है। तो अब हम इसको सीरीज बोर्ड में टेस्ट करेंगे। तो यह देखिए दोस्तों, हमने सीरीज बोर्ड में स्विच को लगा दिया है और अब हम स्विच को ऑन करते हैं। तो देखिए हमारा सीरीज लैंप का बल्ब जलने लगा है और यह किसी प्रकार की ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है। अब हम इसको एसी में लगाकर टेस्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एसी में लगाने के बाद हमारा जेट कटर अच्छी तरह वर्क करने लगा है, घूमने लगा है और इसके कम्यूटेटर में से कोई भी स्पार्किंग नहीं आ रही है। इसका शाफ्ट भी अच्छी तरह से वर्क कर रही है, घूम रही है। तो इस प्रकार हम इस जैक कटर को बड़ी ही आसानी से आर्मेचर बदल सकते हैं। वीडियो इतनी ही थी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करें, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।